छोड़िए ना। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आज 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया हो, गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा न दिया हो। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी और जनता आ रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सर आपने ये समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव में अगर एक साल कोरोना नहीं चलता तो शायद वो उससे पहले बांट देता है। और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी बिछाने लास्ट ईयर के जो अच्छे डॉक्टर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप से बांटा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है, उनका टैबलेट कहाँ है, वाईफाई भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है? सर आप लैपटॉप बांट रहे हैं वो टैबलेट की बात कर रहे हैं, टैबलेट बांटेंगे आप लैपटॉप बांट रहे हैं वो उसको देख के आप टैबलेट बांटने जा रहे हैं? बाबा मुखर्जी ने कौन सी टैबलेट दी वो नहीं जानता, कहीं ऐसा तो नहीं कौन सी टैबलेट दे दी उन्होंने? 4.5 साल का समय काटा उन्होंने, कल की जनसभा में भीड़ को देखकर बीजेपी काफी आहत है और आज अनिल राजभर को भेजा गया। लाखों लाख जो समर्थन में लोग कल निकले थे वो ऐतिहासिक जनसभा थी। ओम बिटा राजभर और भागीदार दल के जो नेता आए थे और जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ है ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। कल जो गठबंधन हुआ है अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई कम चाहती है। सर कल जो गठबंधन हुआ है किसानों को लेकर के वो सम्मेलन कर रहे हैं, फ्यूज बल्ब के साथ गठबंधन बना रहे हैं, वो आगे फ्यूज बल्ब की झालर है, उनके बारे में कुछ कहना कम है। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है, 24 करोड़ लोगों को झूठ बोला है, किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी बताए कि नौजवान नौकरी क्यों नहीं पा रहा, भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज पेट्रोल इतनी महंगी क्यों है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो पार्टी हटाएगी जो विकल्प है उसके साथ जनता खड़ी है। पूर्वांचल की जनता को सड़क अस्पताल बिजली इन्होंने जो अस्पताल उद्घाटन किए, पर्दा हटाओ खोखले अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा अखिलेश जी, आपने जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया, अकबरपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा, मेडिकल कॉलेज के चिंतियों का बजट क्यों काटा, नए मेडिकल कॉलेज केवल पर्दे लगाए अंदर पूरा धोखा। अखिलेश जी आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी चीजों पे विचार होगा।